स्टूडेंट, दिस इज किरण गोस्वामी फ्रॉम स्वास्तिक पब्लिक स्कूल एंड योर एसएसटी टीचर। होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था आपको पता है? कौन सा चैप्टर पढ़ा था एंड क्या पढ़ा था? होप आप सभी को याद होगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिसोर्सेज का। हमने उसमें ये पढ़ा था कि Anything that fulfills human needs is called a resources. Means कुछ भी हो जो कि मानव की ज़रूरतों को पूरा करते हैं उन्हें resources कहते हैं। चाहे वो कुछ भी, चाहे हमें पीने के लिए पानी हो and सांस लेने के लिए हवा हो, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था कि types of resources, 3 टाइप के resources पढ़े थे, natural resources, human made resources and ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसमें बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स आते हैं, ठीक है। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ओके। सो आगे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी फर्दर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजन, डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सबसे पहले ये डिवाइड है On the basis of nature. तो इसमें हमारा आएगा biotic resources and abiotic resources. Biotic resources वो resources होते हैं जो कि हमें living things से मिलता है, जैसे कि such as wool, crops, meat, leather and medicines. और ये हमें किससे मिलते हैं? Plants and animals से। Plants और animals हमारे living things हैं और इनसे हमें क्या है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि सॉइल, मेटल, मिनरल एंड स्टोन। दीज रिसोर्सेज कैन बी एग्जॉस्ट बाय द एग्जिस्ट यूज। नेक्स्ट हमारा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी हमें बहुत ही कम नॉलेज होती है एंड वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट देम एट प्रेजेंट। बट ये रिसोर्सेज अभी यूज़ नहीं हो सकते, बट कैन बी यूज इन फ्यूचर। मतलब अभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, बट मे बी हम इनको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। ये ऐसे मिनरल्स हैं, मे बी हम इन्हें फ्यूचर में यूज़ कर सकें जब हमारे पास और एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए। नेक्स्ट हमारा है एक्चुअल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें पता होते हैं कि कहाँ पे है, इनकी क्वांटिटी क्या है और हम उन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे, मतलब उस किस टेक्नोलॉजी से हम उन्हें निकाल सकते हैं या फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिनरल्स डिपॉजिट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट हमारे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक है, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप सभी को पता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एट प्रेजेंट अनलिमिटेड है और जो कॉन्स्टेंटली यूज से जनरेट होते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस और कैन बी जनरेट बाय अस एंड दे कैन आल्सो बी रिन्यूड बाय फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस। कुछ रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर हो गया और आपका विंड एनर्जी हो गया। इन्हें हम इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं जो कि बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। नेक्स्ट हमारा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ये नाम से पता चल रहा है ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते हैं, और ये एक बार ख़त्म हो गए तो हम इसे इन्हें फिर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं या हर जगह मिलते हैं, जैसे कि हो गया एयर, वाटर, लैंड एंड सनलाइट। एंड नेक्स्ट हमारा है लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक प्लेस में मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर,
पेट्रोलियम, कोल एंड मिनरल। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन मेन रिसोर्सेज। ह्यूमन मेन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स द्वारा क्रिएट होते हैं एंड जो प्रोड्यूस होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन की डिमांड और उनकी नीड्स को, जो वेरियस नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए। जैसे एग्जांपल है बिल्डिंग्स, मशीनरी, रोड्स एक्सेट्रा। दीज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी एग्जांपल है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। सो नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं अर्थ पे, वो भी ह्यूमन बींग्स के लिए। एंड ओनली ह्यूमन बींग्स कैन इन्वेंट, डिस्कवर, रिसर्च, एक्सप्लॉइट, डेवलप एंड कन्वर्ट द अवेलेबल और पोटेंशियल रिसोर्सेज इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और वेल्थ। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत ही गुड वेल्थ है जो कि हेल्प करती है ह्यूमन बींग को बनने के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि जो एजुकेशन होती है वो किसी भी बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है और वो उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर एक कंट्री के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्सेज होती है फॉर फ्यूचर। हमारा लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे इसके साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू। एंड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, सी यू, टेक केयर।